फ्री सब्सक्राइब कीजिए जवाबी बाबा चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, रोज पाएं ऑसम नॉलेज वीडियोस। दोस्तों, अगर आप इंटरनेट डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने ईमेल मार्केटिंग का नाम तो जरूर सुना होगा। आज के वीडियो का टॉपिक यही है, ईमेल मार्केटिंग। बात करेंगे कि क्या होता है, क्यों होता है, क्या इसके फायदे हैं। एक दो मिनट के छोटे से वीडियो में आपको पूरा मतलब समझ में आ जाएगा, ओवरऑल इसका ओवरव्यू समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ईमेल मार्केटिंग। दोस्तों, ईमेल मार्केटिंग, मार्केटिंग क्या होता है? जब आप जो कुछ भी बेच रहे हैं, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, तो अपने प्रोडक्ट या सर्विस की इन्फॉर्मेशन, अपने मैसेज को अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाते हैं, उसको मार्केटिंग कहते हैं। मार्केटिंग वो भी होती है जब आपके घर की डोरबेल बजती है, दरवाजे पर कोई खड़ा होकर कोई साबुन बेच रहा है, कोई टूथपेस्ट बेच रहा है, तो ये मार्केटिंग है, डोर टू डोर मार्केटिंग है। इसी तरीके से जब आपको मार्केटिंग ईमेल में मिल रही है, ईमेल आ रहे हैं और उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है किसी गुड्स की, किसी सर्विसेज की, कि ये ले लो, ये खरीद लो, ये अच्छा है, तो वो ईमेल मार्केटिंग हो रही है। ये ईमेल मार्केटिंग अब काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गई है। आपको जो ईमेल्स आते हैं वो काफ़ी हद तक अब पर्सनलाइज होने लग गए हैं। आपको ऐसा लगेगा कि वो ईमेल पर्सनली आपको किसी आदमी ने बैठ कर लिखी है, लेकिन ज़्यादातर वो सब आजकल ऑटोमेटेड ईमेल मार्केटिंग टूल्स से वो सारी की सारी बल्क ईमेल्स ट्रिगर होती हैं। ईमेल मार्केटिंग के लिए बहुत सारी एजेंसीज हैं, बहुत सारे वेंडर्स हैं जिनके साथ बड़ी बड़ी एमएनसीज बिजनेस टाई अप करते हैं, ताकि वो उनका ईमेल मार्केटिंग का जो काम है वो संभाल सकें। ईमेल मार्केटिंग में जो बड़ी बड़ी एमएनसीज होती हैं, उनके पास अपना खुद का CRM होता है, खुद का डेटाबेस होता है, कस्टमर डेटाबेस होता है, तो वो उन ईमेल मार्केटिंग एजेंसीज के साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर वो उन ईमेल मार्केटिंग एजेंसी से डेटा खरीद सकते हैं कि जिस कस्टमर बेस को भी उनको ईमेल भेजना है। वो डेटा ऐसे ही रैंडम रॉ डेटा नहीं होता है, वो सेगमेंटेड डेटा भी होता है, जिसमें आप बता सकते हैं कि भाई मैं जैसे कि मान लीजिए कि आपका बिजनेस है जिसमें आप डिओडरेंट बेचते हो, राइट? सो डिओडरेंट ज्यादातर यंग जनरेशन, यंग लोग यूज करते हैं, राइट? तो आप चाहते हैं कि आपकी जो ईमेल जाए वो 20 से 30 या 20 से 40 के एज ग्रुप में जाए, तो ये आपको एक सेगमेंटेड डेटाबेस मिल जाएगा। तो जिस टाइप का भी आपको डेटाबेस चाहिए आपको मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ईमेल को लोग मोबाइल पे ना खोलें, डेस्कटॉप पे खोलें, तो उनके पास ऐसा डेटाबेस होगा जिसमें उनके पास वर्क ईमेल एड्रेसेस बहुत सारे होंगे। वर्क ईमेल एड्रेसेस ज्यादातर लोग अपने ऑफिस में अपने ऑफिस के लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर पे खोलते हैं, मोबाइल पे कम खोलते हैं, राइट? तो जिस टाइप का भी आपको सेगमेंटेड डेटा चाहिए होता है, जिस टाइप की भी आपको ऑडियंस चाहिए होती है, वो ऑडियंस आपको इन ईमेल मार्केटिंग एजेंसीज के पास मिल जाती है। और ऑब्वियसली सबके अलग अलग पैसे होते हैं, सबका अलग अलग टियर 1, टियर 2, इस तरीके के चार्जेस होते हैं। एक बहुत ही मशहूर ईमेल जो क्लाइंट है वो है मेल चिम्प। ये ईमेल मार्केटिंग एजेंसी है जो कि बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है। ए वेबर एक बहुत अच्छी ईमेल एजेंसी है। एप्सिलॉन, तो ऐसी कई सारी एजेंसीज हैं। आप गूगल में जाके शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, इनकी अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके देख सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो सिर्फ ईमेल मार्केटिंग के बारे में, कि ईमेल मार्केटिंग होती क्या है, ओवरऑल इसका कॉन्सेप्ट क्या है, और इसको करने का रीजन सिंपली यही है कि पिछले जमाने में, पहले के जमाने में और आज भी लोग डोर टू डोर मार्केटिंग करते थे, उससे बहुत ज्यादा अच्छी ईमेल मार्केटिंग है, क्योंकि आपने एक बार पैसा दिया, विद इन अ मिनट 1000 lakhs ऑफ कस्टमर्स कैन बी रीच्ड एट अ टाइम, और उन कस्टमर्स का फिर जो भी ईमेल क्लिक टू ओपन रेट होता है, जो भी उनका क्लिक थ्रू रेट होता है, वो 1%, 2%, 3% के आसपास वेरी करता है, लेकिन एक ही साथ आप एक बहुत बड़े ऑडियंस ग्रुप को टारगेट कर सकते हो और अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। तो ये था वीडियो आज का ईमेल मार्केटिंग के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ी सी जानकारी से मिली होगी। अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इस तरीके के नॉलेज वाले वीडियोज मैं अपने चैनल पर बनाता रहता हूँ। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।